सपोज मान लो कि देखा के जगह पे देखी लिखा गया तो आप स्पॉट कहाँ करोगे देखी, यही करते करते मैंने इंग्लिश अच्छा खासा स्कोर करके पार कर दिया। और पता नहीं कुछ बच्चे जानते भी होंगे मुझे क्योंकि मैं थोड़ा सा चैनल भी चलाता हूँ यूट्यूब पे स्टूडेंट फरमाइश करके, पता नहीं कुछ जानते होंगे सभी लोग, सब्सक्राइबर भी आप बैठे लेकिन अलग ही क्वालिटी हो। तो सर एक चीज से मैं शुरुआत करूंगा, मैं आप जिस वक्त पे मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस वक्त पे दिल्ली में बैठा हुआ एक लड़का एक मॉक टेस्ट लगाता हूँ उसका सिलेक्शन होगा या हमारा सिलेक्शन होगा ये आपको चॉइस करना है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ऑनेस्ट हो अपने काम पे, अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ कर जाओगे, जो अंदर जो इंट्यूशन कहते हैं उसे, अगर वो आपको बताता है कि आप कर जाओगे तो आप कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, 31 दिसंबर को रात को 7 बजे मैंने एक सेल्फी वीडियो बनाया था और अपने चैनल में डाला था दैट आई विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और वहां पे मैंने एक लाइन जिक्र की थी, वहां पे ये बोला था आप लोग कैसे शुरुआत करना चाहते हैं अपना सेल्फ, और मैंने पूछा अपने आप को इफ यू आस्क मी हाउ डू यू स्टार्ट द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ ऑफ 2019 आई वुड टेल दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एनफ डायनामिज्म दैट आई हैव, और खुदा की बरकत देखिए कि 1 जनवरी को ही ये रिजल्ट आ गया कि आई एम सिलेक्टेड इन आरआरबी क्लब। और ये जो जर्नी था आरआरबी पीओ ओनली बाय 1.2 मार्क्स, और ये आरआरबी पीओ का भी जो सफर था वो डिफिकल्ट था, छोटा सा अगर आप मुझे 2 मिनट मिले तो बता दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज लास्ट साल लास्ट यानी 2017 मेरा एक भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ था, और मैथ्स जो शूट कर रहे हैं वीडियो उनको फुल क्रेडिट जाता है और मैं भी ऐसे ही पीछे बैठा था, सर भी थे लास्ट ईयर फेलिसिटेट कर रहे थे और काफी खुश लग रहा है क्योंकि वहां से यहाँ आना जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मत समझना कि सिर्फ ये 2-3 फुट का ही फासला है, बहुत बड़ा फासला होता है। और 2017 माई सिंगल प्री प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वॉज नॉट क्वालिफाइड, वेरी डिसहार्टेंड, लेकिन 2018 का आते आते एसबीआई क्लब मेंस मैंने एग्जामिनेशन दिया था, पहली मरतबा ये था कि मैंने एग्जामिनेशन दिया था। अब उसके बाद कुछ समय के बाद जैसे मेंस एग्जामिनेशन देके मैं आया घर लौटा, उसके अगले दिन मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हुई थी एंड वो एडमिट थी यहाँ पे रामकृष्णा हॉस्पिटल पे, और आपको याद होगा कि ठीक 7 दिन के बाद आरआरबी पीओ का एग्जाम था। सो मैं रात अराउंड 6 डेज मैंने सोया नहीं था और मैं आई वॉज नॉट इन दैट मूड टू गिव द एग्जामिनेशन, तो मम्मी आईसीयू में भर्ती थी, उन्होंने बुलाया मुझे कि बेटा तेरा एग्जामिनेशन है तुझे याद है कि नहीं, मतलब मेरे से ज्यादा मम्मी को फिक्र थी, मतलब मैं एग्जामिनेशन देने नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मैंने 7-8 दिन कुछ पढ़ाई नहीं किया कुछ भी नहीं किया, सो मैं एग्जामिनेशन तो नहीं दूंगा। मम्मी ने बोला नहीं यू कैन गिव द एग्जामिनेशन। उसके बाद मैं जैसे तैसे करके निकला, मैं उड़ीसा में एग्जामिनेशन था, मैं उड़ीसा से हूँ बेसिकली, मेरा मामा लोग थे, तो मैंने एग्जामिनेशन वहां पे दिया और विदाउट ए सिंगल मॉक विदाउट ए सिंगल कुछ भी आप नहीं बता सकती प्रिपरेशन हुआ। अब वो वहां से लौटते हुए ठीक पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म हुआ था और कुछ 2 दिन के बाद मम्मी को फिर ट्रांसफर किया गया टू बुरला हॉस्पिटल, उनका तबियत ठीक नहीं हुआ था तब तक। फिर आपको याद हुआ ठीक 7 दिन के बाद आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम था, तो उसको भी मैंने वैसे ही दिया था, और कुछ अंतराल के बाद आई रिमेम्बर कि एनआईसीएल की भी एग्जाम थी एंड आप लोगों को सुन के मे बी यू मे बी शॉक, लेकिन आरआरबी क्लर्क में आई सिक्योर्ड 77 मार्क्स विदाउट गिविंग ए सिंगल मार्क एट दैट टाइम। अब भी अच्छा खासा मार्क्स है 56-57, मैं अपना सब मार्क्स चैनल में डाल देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि देख रहे करके। उसके बाद एनआईसीएल में भी आई सिक्योर्ड 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो तब तक मुझे ये एहसास हो गया था कि जब तक मैं अपने के लिए जी रहा था मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, जब तक मैं अपने के लिए सोच रहा था तो एक भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपने परिवार के लिए सोचा एंड माय मॉम वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी एंड उसके बाद मैं एग्जाम्स देता गया, हर एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मैंने लगभग 2018 में सब कुछ दिया, उसके बाद मेंस भी लगभग सब कुछ दिया एंड
काफी मेंस क्लियर होने के बाद आरआरबी पीओ इंटरव्यू में गया था और खुद मेरा तबियत खराब हो गया था आरआरबी पीओ इंटरव्यू में, भुवनेश्वर गया था मैं। तो उसके बाद इंटरव्यू जो क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस मुझे पूछा गया था। सबसे पहला जब मैंने एंटर किया तो ऐसे सराउंड करके बैठे थे मैम जैसे है वहां पे, वही एक मैम बैठी थी। सबसे पहला उन्होंने सवाल ये पूछा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस। सो एसएमएस का फुल फॉर्म तब तक मुझे याद नहीं था, आई सेड आई एम सॉरी। 6 क्वेश्चंस उन्होंने पूछा, 4 क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल जवाब नहीं दे पाया और 2 क्वेश्चंस मैंने कुछ जोड़ मोड़ के दिया आंसर। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आई स्कोर्ड अराउंड, आई वाज कैलकुलेटिंग 67 मार्क्स लगभग आए थे मेरे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में। सो आरआरबी पीओ इंटरव्यू ओनली 1.2 मार्क्स रह गया, बट आई थिंक ये सबसे बढ़िया स्टार्ट था 2019। मुझे लगता है कि और भी आगे काफी होने वाला है। बस यही था मेरा सफर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इंग्लिश के लिए सर, तो बस एक चीज बोलूंगा, एरर कहा है, एरर कहा है दैट इज बैंकिंग इंग्लिश, एरर क्या है दैट इज एसएससी इंग्लिश, ये आपको फर्क समझना पड़ेगा। और इंग्लिश के लिए जैसे कि एक छोटा सा अगर मैं गाना टाइप का एग्जांपल दे दूं, तुझे देखा तो ये जाना सम समोस फॉर एग्जांपल, आपको ये गाना याद है, आपको ये गाना याद है, बकायदा आपने गाना पूरा रट लिया, छाप लिया है मन में और कहीं पे आपको सेंटेंस में दिखाई दिया तुझे देखी तो ये जाना सम। सपोज मान लो कि देखा के जगह पे देखी लिखा गया तो आप स्पॉट कहां करोगे देखी। यही करते करते मैंने इंग्लिश अच्छा खासा स्कोर करके पार कर दिया। मैथमेटिक्स में भी एक कहावत है, रिपीटेड एडिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 2 × 3। दैट मींस अगर आप चीजों को बार 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 सुनोगे, याद करने कभी कोशिश मत करना, मैंने कभी नहीं किया। यूट्यूब पे वीडियोस देखे, ईयरफोन लगा के मैं तो सो सो के देखा था, तो मतलब डेली आप वही चीज को रिपीट करते जाओगे रिपीटेड बेसिस, आपको देखेगा कि आप मास्टर हो जाओ। 4 महीने पहले अगर आपने मुझे पूछा होता जीके कोई क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं बता सकता, बट आई एम वेल वर्स्ड, अपडेटेड हूं मैं हमेशा रहता हूं, एंड वो क्रेडिट बिल्कुल रिपीटेशन के ऊपर ही। तो जितना आप रिपीट करते जाओगे चीजों को आपको याद होते जाएगा। एनी मोर क्वेरीज और कुछ पजल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप सुन के लगेगा कि ये कुछ अलग ही स्ट्रेटेजी है, बट दिस इज द स्ट्रेटेजी। पजल आप तभी कर पाओगे जब आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, ओनली बिकॉज अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप पजल के कंडीशंस को जल्दी जल्दी पढ़ के नोट कर पाओगे, पहली बात है। अगर आप इंग्लिश स्ट्रांग किए हो तो मैथमेटिक्स भी अच्छा होगा, क्योंकि आप मिसलिनियस क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे जल्दी से जल्दी और जल्दी से समझ के आप कर पाओगे। तो पजल का सबसे ये मत करिएगा कि इससे ढूंढा उससे ढूंढा, ऐसा मत करिए। द बेस्ट ट्रिक दैट यू कैन सॉल्व अ पजल लाइज विद इन योरसेल्फ। आप एक नंबर पे एक पजल को 40 मिनट भी दीजिए या 45 मिनट भी दीजिए, अगर वो सॉल्व हो जाता है 45 मिनट के बाद तो हमारे अंदर एक दैट इज कॉल्ड एज डोपामिन हार्मोन, वो सीक्रेट होने लगेगा और आपको लगेगा कि